हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या जैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल वेज टू वेज में। आज हम बनाएंगे मेयोनीज सैंडविच। ये सैंडविच हम दो तरीके से बनाएंगे। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यह लिया है एक बाउल। अब बाउल में डालेंगे 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप शिमला मिर्ची, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप पत्ता गोभी, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप ककड़ी, 1 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप टमाटर, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 3 टेबलस्पून मेयोनीज। ये मेयोनीज मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब डालेंगे फाइनली चॉप धनिया। अब हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ चीज। मैंने यह 2 क्यूब चीज लिया था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल मेयोनीज मिक्स रेडी है। ये रेसिपी के लिए आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बनाएंगे सैंडविच। सबसे पहले हम प्लेन वाला सैंडविच बनाएंगे। मैंने यह ब्राउन ब्रेड लिया है। आप चाहो तो व्हाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ब्रेड के सारे कोने हम कट कर लेंगे। अब वेजिटेबल मेयोनीज मिक्स हम इसके ऊपर रख देंगे। अब ये दूसरा ब्रेड हम इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब हम इन्हें कट करेंगे। आप इन्हें अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी शेप में कट कर सकते हो, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल या तो ट्रायंगल शेप में आप इन्हें कट कर सकते हो। ये देखिए प्लेन सैंडविच रेडी है। अब हम बनाएंगे ग्रिल सैंडविच। ग्रिल सैंडविच के लिए मैं यहाँ ब्रेड के कोने कट नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रेड के कोने कट कर सकते हो। अब ब्रेड पे हम लगा देंगे धनिया पुदीने की चटनी। अब वेजिटेबल मेयोनीज मिक्स हम इसके ऊपर रख देंगे। अब ये दूसरा ब्रेड हम इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब ये सैंडविच को हम ग्रिल कर देंगे। अब ये सैंडविच पे हम लगा देंगे घी या तो बटर। मैंने यह टोस्टर को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम रख देंगे सैंडविच। जो साइड हमने घी लगाया हुआ है वो साइड हम नीचे रखेंगे। अब ये ऊपर की तरफ भी हम घी या तो बटर लगा देंगे। अब टोस्टर को हम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से ग्रिल होने देंगे। हमें ये टोस्टर को पूरा बंद नहीं करना है। अगर हम इन्हें पूरा बंद करेंगे तो इसकी स्टफिंग निकल सकती है। आप देख सकते हो कि ये टोस्टर का लॉक मैंने नहीं लगाया है। ये देखिए सैंडविच रेडी है। अब हम इन्हें टोस्टर से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इन्हें कट करेंगे। आप इन्हें अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी शेप में कट कर सकते हो। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। अब गार्निश करेंगे थोड़े धनिये के साथ। आप देख सकते हो कि प्लेन मेयोनीज सैंडविच और ग्रिल मेयोनीज सैंडविच रेडी है। ये दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब जल्दी से आप भी ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मुझे कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।